अनस्टॉपेबल वेन योर वर्क एंड पैशन आर वन एंड सेव डिस्कशन जी के आंसर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड है नीदरलैंड हीर हाँ। महल वॉटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है त्रिपुरा में नरोमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड की वेस्ट बंगाल में ये होते हैं फोक डांस फॉर्म जिनका नाम है दोमनी दुनांची एंड जुमायर कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कतर है कैपिटल है दोहा और करेंसी है कतरी रियाल आज के सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द वाइट टाइगर टुंकू अब्दुल रहमान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स दंतीवाड़ा डैम है दिस इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट हेड क्वार्टर ऑफ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा जो ब्रांचेज होती है वर्ल्ड बैंक का दिस इज मीगा सो मीगा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है द पॉपुलेशन मिथ एक बुक है इसके ऑथर का नाम बताइए फागुना इज अ फोक डांस परफॉर्मड इन विच इंडियन स्टेट सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो है आउट लाइन आउट लाइन मतलब ये सेंटर है और इससे बहुत दूर कोई पॉइंट है दैट इज आउट पोस्ट सिचुएटेड फार फ्रॉम अ सेंटर और दैट इज रिमोट एरिया प्रूडेंट का मतलब होता है एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना मूट दैट इज सब्जेक्ट टू डिबेट जिसपे अभी बहस है डिस्प्यूट है अनसर्टेनिटी है दैट इज मूट सब्जेक्ट रिकैलसीटरेंट एटीट्यूड है मतलब हैविंग एन ऑप्स्टिनेटली अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिन दैट इज रिकेलसीट्रेंट एटीट्यूड आस्क अराउंड मतलब टॉक टू डिफरेंट पीपल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सम थिंग आस्क अराउंड सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड्स इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर आए हैं चिल्ड्रन को भी वैक्सीनेशन मिलेगा दिस इज अबाउट असम एंड मिजोरम डिस्प्यूट इसके बारे में ब्रीफ आज हम जानेंगे देन दिस इज टूरिज्म सेक्टर नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर है रिवाइवल ऑफ टूरिज्म जुलाई डेटा कैपिटल्स इज हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल डेंजरस कॉन्फ्लेग्रेशन है ये जो असम और मिजोरम के बीच में डिस्प्यूट हुआ दिस इज अ डेंजरस कॉन्फ्लेग्रेशन क्राइसिस इन ट्यूनिशिया ट्यूनिशिया में अभी क्राइसिस है तो इस बैकड्रॉप में आज हम अच्छे से समझ लेते हैं ये अरब स्प्रिंग है क्या किन सारे कंट्रीज में अरब स्प्रिंग हुई थी 2011 से इसका स्टार्ट हुआ था 10-11 से 10 साल में क्या अचीवमेंट्स हुए दिस इज लीड आर्टिकल एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान लेट्स मेक रूम फॉर द रिवर यूरोप में अभी बहुत बाढ़ आई है ये सारे जो हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर यूरोप में रिवर्स में फ्लडिंग हुई है तो आज हम यूरोप की रिवर्स के बारे में जानते हैं देन दिस इज एंटी ट्रैफिकिंग लॉ अभी थर्टी नाइन्थ साइट आई थी अभी फोर्टीट भी आ गई है वर्ल्ड हेरिटेज धोला कच्छ देन दिस इज पी एम केयर्स फंड ये रेलवेज का एक गाइडलाइन है और आज हम समझते हैं अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है और गवर्नमेंट की इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं ये सी सेट के सोल्यूशन है एंड सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउटी मिनटरेंस मटीरियल इज दिस एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दहली एडिशन सी ये फ्रंट पेज है फ्रंट पेज की जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका अभी चेंज हुए हैं व्हाट द नेम ऑफ न्यू चीफ मिनिस्टर द नेम इज बासवा राज बुम्ई बासवा राज बुम्ई एक हमने बुम्माई केस भी बढ़ा था पॉलिटिक में डू यू रिमेंबर टेल दिस इज बासवा राज बम्बाई जो सेकेंड न्यूज है दैट इज जैब फॉर चिल्ड्रन एज अर्ली एज ऑगस्त तो जो चिल्ड्रन है ट्वेल्व टू एटीन ईयर एज ग्रुप में इनको वैक्सीनेशन अभी नहीं था बट अब इनको 12 टू 18 वालों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा विच इज़ अ गुड न्यूज़ मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक इसके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए दिस इज़ अबाउट मिजोरम बॉर्डर रो मिज़ोरम बॉर्डर रो सी इस डिस्प्यूट का अभी बहुत सारे जो फाइन डिटेल्स हैं वो अभी आउट नहीं है टेम्परेचर भी अभी काफ़ी ज़्यादा है So for now, what we should do is we should just get familiar with this topic. Familiar मतलब इसकी लोकेशन जानते हैं और इसके अभी तक ओवर द पीरियड टाइमलाइन क्या है क्लैशेज क्या हुए हैं okay? ओके इस सारे जैसे टॉपिक्स आते हैं इसमें क्विकली हमें ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहिए ओके नाउ दिस इज 1875 फर्स्ट ऑफ ऑल वेर इज असम एंड वेर इज मिजोरम सो दिस इज असम असम इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और यहाँ पर है ये मिजोरम और मिजोरम और असम की जो बॉर्डर है इसमें थोड़ा चल रहा है डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट को सेंटिमेंट्स इमोशंस और यहाँ पे पॉलिटिकल फ्लेयर ऐसे करके ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो यहाँ पे फायरिंग हुई दोनों ही साइड की सिक्योरिटी पर्सनल आपस में लड़े एंड वी लॉस्ट सम लाइव्स एज वेल दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट 1875 में फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी टू डीमार्केट प्रेजेंट डे मिजोरम एक्चुअली क्या है जो नॉर्थ ईस्ट है ना ये ट्राइबल एरिया भी बहुत ज़्यादा है ट्राइबल एरिया तो यहाँ पे डीमार्केशन करने का प्रयास जब भी होता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रेजेंट डे मिजोरम का 1875 से डीमार्केशन स्टार्ट हुआ ब्रिटिश डीमार्केट किए इस एरिया को अंडर बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873 मिजोरम इस बॉर्डर को फॉलो करता है 1933 आया तो ब्रिटिशर्स ने फिर से रिफाइन किया डी और इस ट्राइफर जो हुआ इस एरिया का उससे कुछ पार्ट ऑफ द एरिया चला गया मणिपुर में और असम इस 1933 के डी को फॉलो करता है तो सी जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर में डी से लड़ाइया होती है ना और वो भी बिकॉज ऑफ दीज ब्रिटिशर्स है तो ये जो इंटरनल डी है दिस आल्सो क्रेडिट गोज टू ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटीज एंड के तो जैसे इंटरनेशनल डीमार्केशन लाइन क्लियर कट नहीं है इंडिया और चाइना में हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में ऊपर अफगानिस्तान में इवन डुरंड लाइन भी तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्टेट का जो डीमार्केशन था वो क्लियर कट हुआ नहीं मिज़ोरम फॉलो करता है 1873 लाइन और असम फॉलो करता है 1933 डीमार्केशन का तो इसीलिए दोनों में डिबेट होता है 87 में मिज़ोरम जो वो एक स्टेट बन गया तो जो मिजो ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने ये बॉर्डर डिस्प्यूट रेज करना स्टार्ट कर दिया असम से बिकॉज़ मिजोरम फॉलो करता है 1875 डीमार्केशन 1995 हुआ स्कर्मिशेस होने लग गए असम मिजोरम बॉर्डर जब गवर्नमेंट ने 1875 की डीमार्केशन के हिसाब से वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया तो असम और मिजोरम में यहां पे ऐसे फाइट हो रही है 2018 में फिर यहां पे फाइट हुआ 2019 में फिर हुआ नो मेंस लैंड बन गया 2020 में ब्लॉकेट हुआ एन एच का जो 12 दिन तक यहाँ पे ब्लॉक रहा और 2021 में ये वॉयलेंट क्लैशेज हुए अपसी यहाँ जो बात आती है वो ये बात आती है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कुछ स्टेट्स को हमने शेड्यूल दिस फाइव शेड्यूल सिक्स में रख रखा है स्पेशल प्रिविलेज़ दिए हुए यहाँ पे सेकेंड इंडिया जो है इंडिया इज यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स तो स्टेट्स की जो बॉर्डर डीमार्केशन वगैरह है वो यूनियन ऑफ इंडिया उसको अल्टर कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिस इज अवर मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और दूसरी जो बहुत खराब बात है कि इन फाइटिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए कि राज्यों के बीच में फाइट हो रही है पुलिस फोर्सेस के बीच में फाइट हो रही है सिक्योरिटी पर्सनल के बीच में फाइट हो रही है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट अवर इंटीग्रिटी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के तो दिस इज द थिंग अभी के लिए बस हमें ये जानना है कि ये इशू क्या है ओके okay? इसमें भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अंडर भी है उसको हम बाद में देखेंगे आगे एक एडिटोरियल भी है वो भी अभी हम देखते हैं तो फॉर नाउ वी आर नाउ फेमिलियर विद दिस टॉपिक कि दिस इज मिजोरम दिस इज असम दोनों के बीच में लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट थोड़ा डिस्प्यूट है डी को लेकर एटीन और थर्टी थ्री इसके कारण पहले भी क्लैश हुए हैं और अब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा वायलेंट हो गई दिस इज़ द न्यूज़ ओके अब आगे बढ़ते हैं दिस इज़ मिस्टर राकेश अस्थाना अभी अपॉइंट हुए हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर गुजरात काडर के ऑफिसर हैं इंटर काडर डेप्यूटेशन एक्सटेंशन हुआ तो ही इज़ नाउ दिल्ली पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश अस्थाना देन सेंटर ने ज़्यादा टाइम मांगा है और टाइम चाहिए सी ए रूल्स के बारे में दैन दिस इज ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव मिलियन लॉस्ड जॉब्स इन टूरिज्म सेक्टर्स ही कोविड हुआ अनलॉक हुआ और जो टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जैसे टूरिज्म जैसे ये वहाँ ताज है अब जैसे ये ताजमहल है ना तो यहाँ पर आते हैं विजिटर्स विजिटर्स आएंगे तो ये किसी होटल में रुकेंगे विजिटर्स आएंगे तो वो शॉपिंग करेंगे विजिटर्स आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर से ले कर प्रॉपर जो बिग मल्टी नेशनल कंपनीज भी हैं वो पूरा जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना वो रन होता है लॉकडाउन हुआ तो विजिटर्स नहीं आए फुटफॉल कम हो गया तो इसके कारण पूरा एंटायर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर टूरिज्म सेक्टर पिट गया है सिग्निफिकेंट जॉब लॉसेज हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन ये बताया मिनिस्टर किशन रेड्डी जी ने राज्यसभा में तो इतने मिलियन लॉसेस हुए हैं जॉब्स के अब सी ये राज्यसभा का स्टेटमेंट है तो जब भी ऐसे कोई स्टेटमेंट जाते हैं जो राज्यसभा में रखे हैं लोकसभा में रखे हैं या फिर रिपोर्ट्स के थ्रू आए हैं उनको उनका जो डेटा है विद रेफरेंस हम अपने आंसर राइटिंग में और बोलने में कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं तो ये डेटा क्या है रिमेंबर दिस ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव मिलियन पीपल वर्किंग इन द सेक्टर लॉस देयर जॉब्स ड्यूरिंग द नाइन मंथ पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस जब लॉकडाउन लगा टूरिज्म की जो इकोनॉमी है ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी फॉल हुआ 42.8 परसेंट अब सी हमने जीडीपी पढ़ा था कुछ ही दिन पहले और पढ़ा था जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीवीए जो होता है ना ये सेक्टर स्पेसिफिक डेटा को ज़्यादा बेटर हाईलाइट करता है रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हमने जीवीए वी कहा है कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जी में वो कम हुआ है फोर्टी टू फॉल हुआ है अकॉर्डिंग टू द डेटा कंपाइल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिस्ट जो थे विजिट ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर वो भी इतने कम है सी चौबीस सौ से लेके छः सौ दस मिलियन पे आ गया है वन फोर्थ से भी कम हो गया है तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी अब हमें ये भी पता है फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट होता है इनफॉर्मल होता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में दोनों ही प्रेजेंट है ऑल दो इनफॉर्मल सेक्टर भी एक ह्यूज चंक है और यहाँ पे जॉब लॉसेज हुए तो रिवाइवल ऑफ़ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है ये एक ज़रूरत है नेसेसिटी है और इसमें डिले नहीं होना चाहिए वरना इकोनॉमी बहुत बुरी तरह स्ट्रेस में आ जाएगी वॉट शुड बी द वे फॉरवर्ड अब इस पर वे फॉरवर्ड क्या करें क्योंकि कोविड नाइन्टीन का थ्रेड बना हुआ है थर्ड वेव के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम अनलॉक भी नहीं कर सकते हैं और टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा टाइम तक लॉक करेंगे तो फिर इिपेरेबल डैमेजेस हो जाएंगे सो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड अब थिंक इसको एनालाइज करिए आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका क्या रास्ता क्या सॉल्यूशन हो सकता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रेस्क्यू करने का रिवाइव करने का ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे कैपिटल सीज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जुलाई सिंस 2003 अब सी क्लाइमेट चेंज रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेटियल और टेम्पोरल दोनों बदल रहा है कैपिटल में जुलाई के बाद दो के बाद सबसे ज्यादा अभी रेनफॉल हुआ तो कभी तो बहुत बारिश हो जाती है फिर ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं तो इससे फ्लड्स भी आते हैं और ड्रॉट्स भी आते हैं दिस इज द प्रॉब्लम देन दिस इज कैपिटल और कैपिटल के साथ प्रॉब्लम ये भी है कैपिटल मतलब हर शहर बड़ा शहर आप बोल सकते हो थोड़ा सा बारिश हुआ और यहाँ पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा थोड़ा सा बारिश हुआ और यहाँ पे ऐसे फ्लडिंग होने लग जाती है दिस इज द प्रॉब्लम देन दिस इज द नेक्स्ट वन ये नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पे आते हैं दिस इज डेंजरस कॉन्फ्लेग्रेशन जो अभी हमने देखा ना फाइट हुआ दिस इज नॉट एट ऑल राइट सबसे पहले इस मैप को एक बार फिर से देखते हैं ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ ईस्ट के ये जो राज्य दिख रहे हैं ना ये सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं इसमें आप सिक्किम को भी ऐड कर लो गंगटोक सिक्किम गंगटोक और ये यहाँ से आ रहा है वेस्ट बंगाल तो दिस इज वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के टॉप पर है सिक्किम वेस्ट बंगाल दिस इज चिकन कॉरिडोर भी बोलते हैं से चिकन नेक भी बोलते हैं दिस इज वेरी नैरो और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है दिस नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है असम असम के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर असम की कैपिटल है गुवाहाटी दिसपुर फिर ये नागालैंड है नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा नागालैंड के नीचे है मणिपुर मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल इसके नीचे है मिजोरम आइजवॉल फिर इधर लेफ्ट में है त्रिपुरा दैट इज़ अगरतला असम के जस्ट नीचे है यहाँ पे शिलोंग गारो खासी जेंतिया मोसिन रोम तो दिस इज एंटायर नॉर्थ ईस्ट ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है अभी जो फाइट चल रहा है वो चल रहा है असम के बीच में और दिस मिजोरम के बीच में और किस एरिया में इस एरिया में फाइट चल रहा है क्यों क्योंकि बॉर्डर जो है डिमार्केशन में दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट्स है अब सी ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ ये अक्टूबर 2020 से वायलेंट हो रही थी स्कमिशेज हो रहे थे रेसिडेंट्स में भी बिकॉज ये जो ऐसा मैटर होता है ना इसका पॉलिटिसाइजेशन होता है तो जो लोकल रेसिडेंट्स हैं ना इनके भी इमोशंस हाई रहते हैं और जब दोनों साइड के इमोशंस हाई हैं तो दोनों साइड थोड़े इरेशनल भी हो जाते हैं और फिर उसमें फाइट जैसी सिचुएशन बढ़ती है तो ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर थी बिटवीन असम काकहर मिज़ोरम का कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में और फिर जब इमोशंस इतने हाई हैं पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो ये स्नो बॉल हो गया इन टू अ वॉयेंट कॉन्फ्रेंट्रेशन बिटवीन पुलिस एंड रेसिडेंट्स देर इज नो श्योर शॉर्ट एंड क्विक सोल्यूशन पॉसिबल टू द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस स्टेट्स विदाउट अ स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक एंड सिविक एंगेजमेंट भी ज़रूरी है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप इन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम ऐसे फाइट करने स्टेट्स को आपस में नहीं दे सकते यहाँ एक और प्रॉब्लम आती है वो आती है सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स भी हैं और ट्राइब्स के कारण यहाँ पे क्या होता है सेक्टेरियन डिवाइड आ जाता है सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म हैज़ बीन द बेन ये एक बेन है बेन है मतलब प्रॉब्लम है बेन है ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अंडर डेवलपमेंट एक कैटालिस्ट है बिकॉज रिसोर्स स्कार्स है और फिर अंडर डेवलपमेंट भी है तो फाइट ज़्यादा होता है उस लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए तो इससे कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये पूरा इशू अदर इन द रीजन अ रिजॉर्ट टू वन हम अगर अपमैनशिप करेंगे अपमैनशिप क्या होता है इसने ये किया फिर वो उसका काउंटर करेगा फिर ये एंड ये एक दूसरे से बेटर बनने का अपमैनशिप तो इससे तो कोई सॉल्यूशन आना नहीं है डिस्प्यूट और प्रोलॉन्ग होगा और हार्डन करेगा स्टांस अब हमें यह जरूरत है समझना कि दिस इज इंडिया दिस इज एंटायर इंडिया तो स्टेट्स के बीच में ऐसा जो फाइट है वो नॉट राइट right और होम मिनिस्ट्री को यहाँ स्टेप इन करना जरूरी है और जो भी सॉल्यूशन हो वो एकदम पीसफुल और अमिकेबल वे में होना चाहिए यहाँ पर वॉइलेंस की कोई जगह नहीं है तो दिस इज़ अ डेंजरस कॉन्फ्लैग्रेशन अब इसी से रिलेटेड जैसे पब्लिक सेंटिमेंट्स होते हैं इमोशंस होते हैं और प्रोटेस्ट कल्चर होता है तो उसी में ये इवेंट जो है ना क्राइसिस इन ट्यूनिशिया ये इवेंट का बहुत सिग्निफिकेंट है दस साल हो गए हैं इस इवेंट को ट्यूनिशियन रिवॉल्यूशन के 2011 का टाइम है यही दौर था जब आई स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर सिंसियरली और ये जो न्यूज था ना ये आई यूज टू रीड एवरी डे ऑफिस लाइब्रेरी में आई यूज टू रीड एवरीडे और वहाँ इस न्यूज को डेवलप होते देखा है कि प्रोटेस्ट कल्चर कैसे होता है प्रोटेस्ट जो होते हैं ना इसकी एनाटोमी क्या होती है कैसे इनके पर्पज जो गोल्स होते हैं वो गोल पोस्ट भी चेंज होते हैं जो ऑब्जेक्टिवज हैं उसमें कैसे पॉलिटिसाइजेशन होता है देर इज सो मेनी थिंग्स जो हम लर्न कर सकते हैं इस ट्यूनिशन रिवोल्यूशन से तो सबसे पहले तो ये हुआ कहां पे उसके लिए हम देखते हैं ये मैप अफ्रीका का अफ्रीका का ये मैप है ये मोरक्को है नॉर्दर्न अफ्रीका है ये दिस इज अल्जीरिया ये ट्यूनिशिया और ये कौन सा सी है मेडिटेरेनियन सी ये ट्यूनिशिया है यहाँ से स्टार्ट हुई थी रिवोल्यूशन ये लिबिया है ये इजिप्ट है इजिप्ट कुछ ही दिन पहले हमने मैप देखा था फिर नीचे सूडान साउथ सूडान तो दिस इज नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका यहाँ पे आ जाएगा सहारा डेजर्ट दिस इज़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका ऊपर मेडिटेरेनियन है फिर यहाँ पे पेलस्तीन लेबनान सीरिया इराक जॉर्डन सऊदी यमन ओमान कुवैत बहरीन ये पूरे जोन में दिस अरब स्प्रिंग का रिवोल्यूशन देखने को मिला बट ये रिवोल्यूशन है क्या सी ये जो एरिया है ना यहाँ पे अभी भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नहीं यहाँ पे या तो यहाँ पे यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है कि कोई एक राजा है वो सालों साल जनरेशन बाय जनरेशन वही कंटिन्यू हो रहा है या फिर थियोक्रेसी चलती है कि मतलब रिलीजन के हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो इसके कारण यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम है तो पीपल आर फेडअप पीपल आर फेडअप तो दे वॉन्ट चेंज दे वॉन्ट चेंज तो पीपल ने पीपल मूवमेंट स्टार्ट किया रोड पे आ गए मूवमेंट हो रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है कि यहाँ के जो एस्टेब्लिश रूलर्स हैं उनको डीथ्रोन करें और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो तो ये जो आइडिया था इसको काफ़ी सपोर्ट भी मिला न्यूज़ कवरेज भी बहुत अच्छा मिला और इससे कुछ जो लीडर्स थे वो टॉपल भी हुए कुछ लीडर्स टॉपल भी हुए जैसे ये थे ट्यूनिशिया के इनको थर्टी फाइव ईयर्स इन जेल एग्जाइल हुआ और वहीं पे ही डाइड ये गद्दाफी है नेशनल ट्रांजिशन काउंसिल फाइटर टू में ही गॉट किल्ड ये हौसनी मुबारक है डाइड इन ट्वेंटी इसको भी एकविटल मिला था देन अली अब्दुल्ला साले है दिस इज़ हौती रेबल्स इन यमन देन दिस इज़ फ्रॉम बहरीन जो अभी भी पावर में है और बशर अल असद दिस इज़ फ्रॉम सीरिया सीरिया में भी अभी भी बहुत सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है बट ही इज़ स्टिल इन पावर बट ये जो लीडर्स हैं ना या तो टॉपल हुए या पावर में आए वाई बिकॉज ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट बाई थर्ड कंट्री चाहे वो यू हो टर्की हो या फिर यहाँ से रशिया हो तो थर्ड कंट्री के इंटरवेंशन के कारण यहाँ पे पॉलिटिकल टसल हुआ पॉलिटिकल टसल हुआ तो ये लीडर्स अगर हटे ये लीडर्स हटे या रिप्लेस हुए तो रिप्लेसमेंट भी हमारे पास कोई फुल प्रूफ प्लान था नहीं यहाँ पे जो उन्होंने नरीज ने सोचा था तो उससे क्या हुआ इनस्टेबिलिटी आई और जैसे इराक वगैरह में हमने ट्रबल्स देखा तो बिकॉज ऑफ दिस इनस्टेबिलिटी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना ये एक्टिव हो गए और इसी के कारण फिर आई का ये मॉन्स्टर क्रिएट हुआ सो दिस इज़ द प्रॉब्लम कि रिवॉल्यूशन में दे वॉन्ट चेंज दे आर दिस इज नॉट अबाउट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दे जस्ट वॉन्ट चेंज इन गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए बट वॉट शुड बी द नेक्स्ट गवर्नमेंट उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जो रूट कॉज है वो यहाँ पे सॉल्व होता नज़र नहीं आया एक डिक्टेटर से दूसरा डिक्टेटर आ गया एक ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट आ गई बट कोई परमानेंट सोल्यूशन मिला नहीं तो अरब स्प्रिंग के बाद देखिए इन सब जगह पे गवर्नमेंट टॉपल वे गवर्नमेंट अगर स्टेबल नहीं होती है तो उससे होती है एंट्रोपी और एंट्रोपी होने के कारण यहाँ जो पहले वाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था ना इवन वो और ज्यादा डिटीरियोरेट हो गया जैसे लेबनान भी अभी ऑन द वर्ज ऑफ कोलेप्स है लेबनान सीरिया में ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है दिस एंटायर रीजन इज इज स्टिल सफरिंग तो ये पॉइंट्स थे दिस क्राइसिस इन ट्यूनिशिया के हमारे एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये रिवोल्यूशन जो है स्टार्ट किस कंट्री से हुई थी ट्यूनिशिया से हुई थी अरब स्प्रिंग के ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में एज सच तो इससे रिलेटेड सवाल नहीं आएगा इंडिया का इतना कॉन्टेक्ट डायरेक्ट लिंकेजेस है नहीं अगर प्रिलिम्स की बात करें तो उसमें ये वन कीवर्ड वाले सवाल आ सकते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन ईरान से स्टार्ट हुआ अब ईरान में भी थियोक्रेसी है नाइनटीन सेवनटी रिवोल्यूशन के बाद ईरान इज ऑल्सो नॉट डूइंग गुड फोर्टी एट परसेंट लोगों ने ही अभी वेट वोट किया था सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट है फूड का शॉर्टेज है वाटर का शॉर्टेज है पीपल भी अभी ईरान में रिवोल्यूशन के लिए दे आर राइजिंग येलो रिवोल्यूशन फिलिपिनस में हुआ ऑरेंज हुआ यूक्रेन में ब्लू रिवॉल्यूशन कुवैत का है देन बुलडोजर रिवोल्यूशन सर्बिया में हुआ था सेडार लेबनान का है रोज जॉर्जिया का है ट्यूलिप किर्गिस्तान का है जैसमिन ट्यूनिशिया का है लोटस इजिप्ट का है तो ऐसे कुछ नाम है कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं फिल्म में तो हमें ये जानना है अरब स्प्रिंग एंड अरब रिवोल्यूशन क्राइसिस इन ट्यूनिशिया तो दस साल हो गए इसका भी कोई नतीजा मिला नहीं जैसे अफगानिस्तान वॉर है और केव ज्यादा है अभी यहाँ पे नीडेड अ मोर यूनिफाइड एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान अब इसमें सुहासनी अदर मैम का आर्टिकल है शी इज रिटन कि इंडिया को यहाँ पे एक्टिवली क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए नाटो का एग्जिट हो गया रूल ऑफ़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा फैक्टर्स क्या है तालिबान को रीन करने के या तालिबान को सपोर्ट करने के या फिर तालिबान को अपोज करने के इंडिया का यहाँ पे क्या रुख होने वाला है इंडिया का जो एफर्ट है वो ट्रेडिशनली ये रहा है कि हम यहाँ पे सॉफ्ट पावर यूज़ करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करें एजुकेशन रखें ट्रेनिंग दें अफगान के यूथ को ये चीज़ एप्रिशिएट तो की जाती है बट सॉफ़्ट पावर की भी लिमिटेशंस होती है हार्ड पावर इज हार्ड पावर गन से जो हार्ड पावर आती है दैट इज़ हार्ड पावर सॉफ्ट पावर के सर्टेन लिमिटेशन है और ये लिमिटेशन अब इंडिया को फील हो रहे हैं जैसे हमने तीन बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है डैम्स पार्लियामेंट सो मेनी थिंग्स रोड्स अभी तालिबान अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगा अगर हमारे पास हार्ड पावर नहीं है तो वी कान डू एनी तो सॉफ्ट पावर के भी लिमिटेशन होते हैं वॉट वी नीड इज़ वी नीड एक्सेस टू अफगानिस्तान यूएसए उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये यूएसए ने एक नया क्वाड बनाने का भी यहाँ पे प्लान बना लिया है दिस कुड गो अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान वैसे ही हॉस्टाइल रहता है बॉर्डर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसमें हमने पार्टिसिपेट किया नहीं चाइना के साथ हमारे अलग क्लैशेस चल रहे हैं चाहबाह एक अपॉर्चुनिटी था बट ईरान में खुद में इतनी टर्मोइल है यूएस के सेंक्शनस हैं कि चाहबार पोर्ट का फुल यूटिलाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है सो द पॉइंट इज हाउ टू कनेक्ट पुश फॉर कनेक्टिविटी चाहिए अफ़गानिस्तान अगर कनेक्टिविटी मिलती है स्टेबिलिटी होती है बिकॉज जैसे हमने देलाराम जरंज रोड भी बनाया ये रोड तो जाएगी तो अफग़ानिस्तान से ना हम नॉर्थ साउथ दिस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी बात करें आई एन एस टी सी तो रोड विल अगेन पास थ्रू दिस अफग़ानिस्तान अफगानिस्तान में बॉर्डर्स पे तालिबान का रूल है तो तालिबान हमें सेफ्टी पैसेज नहीं देगा वहाँ पे तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इसीलिए कॉम्प्लिकेट हो रही है सेंट्रल एशियन विंडो जो है इसमें ये फ़ाइव सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं कज़ाक किर्ग तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अब ये भी मोस्टली लैंड कंट्रीज़ हैं इनको भी अगर एक्सेस चाहिए सी से वर्ड से कनेक्टिविटी चाहिए तो इनको भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान पे। तो फिर वही बात हो जाती है रोड कनेक्टिविटी की और इंडिया के इंटरेस्ट फिर जोग्राफिकली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है इंडिया को बहुत प्रैक्टिकल और प्रैगमेटिक वे में यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि स्पिल ओवर इफेक्ट इसका इंडिया के इंडिया पे नहीं आए यहाँ पे जो इतना टर्म चल रहा है उसका रिफ्यूजी क्राइसिस लेट लेटस सी अभी इसमें भी बहुत जल्दी क्या होगा नो बडी नोज वॉट वी शुड डू इज जस्ट नो द बेसिक्स कि अफगानिस्तान में कौन से प्लेयर्स हैं कौन से टेरेन हैं इंडिया के क्या इन्वेस्टमेंट है दैट्स ऑल this is let's make room for the river before that this is weighing down the private unaided college teacher again education se related hai burden hai online education ka schools band hai but fir bhi schools and colleges ne pura pura fee vasula hai is baat pe bhi sawal uth raha hai let's make room for the river ye baat hai europe ka Europe ने आज तक इतने बड़े scale का ऐसा कोई flood recent time में नहीं देखा तो अभी बहुत ज्यादा damages हुए हैं Europe में यूरोप में फ्लडिंग जर्मनी में स्पेशली बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है हम इसमें क्या करते हैं हम इसका यूरोप का एक रिवर मैप देख लेते हैं सी इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है यूरोप की बिकॉज़ फ्लड्स तो थे चले गए नॉर्मल बात है फ्लड्स में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो हम रेगुलरली इंडिया के कॉन्टेक्स में बात करते ही हैं तो लेट लेटेस्ट प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस रिवर्स ऑफ यूरोप जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये थेम्स है ये यूनाइटेड किंगडम है ना लंदन तो इसको लंदन की गंगा भी बोला जाता है थेम्स दिस इज टैगस रिवर टैगस रिवर देन दिस इज एब्रो ये बेसेंस है रिवर के बेसनस है ये टैगस है ये एब्रो है ये लॉयर है फिर ये जो राइन रिवर वैली जो हमने देखा था ना ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है दिस इज राइन फिर ये एल्ब है ये विस्तुला नाइस्टर डेन्यूब डेन्यूब बहुत लंबी रिवर है वोलगा इस सबसे लॉन्गेस्ट आई थिंक वोलगा है फिर डेन्यूब है वोलगा देन ये जितनी भी डी वाली है ना डेन्यूब नाइस्टर नाइपर ये सब जाती है ब्लैक सी में डॉन भी इधर ही आ रही है सी डी 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 एवरीबडी ड्रेन कर रही है वाटर इन ब्लैक सी ब्लैक सी भी इंपॉर्टेंट है अजोफ स्ट्रेट ऑफ कर्च सी ऑफ मारा मारा देन यहाँ पे मेडिटेरेनियन आ जाएगा फिर ये आती है वॉलगा तो ये कुछ पाँच दस इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ ब्रीफली मैंने बताया है यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की लिस्ट भी है जैसे पो रिवर है दिस इटली में फिर ये सारी रिवर्स है तो आपको क्या करना है एटलस ओपन करिए और ये बड़ा अच्छा मौका है प्रिपेयर अ नोट ऑन द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट इसके कॉन्टिनेंट की मेजर रिवर्स जो है ना दस रिवर हैं दस बारह से ज़्यादा नहीं है कहाँ से ओरिजिन हुई है कहाँ पे वाटर ड्रेन कर रही है कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू पास होती है क्या कुछ एक दो सिग्निफिकेंट पॉइंट है बस इतना आपको नोट बनाना है प्रिपेयर अ नोट ऑन द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट बाकी जो फ्लडिंग है वो तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही लिखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट ओके इज मैप ऑफ यूरोप यूरोपियन रिवर्स बिफोर दैट एक पॉइंट ये भी था पिछले आर्टिकल में शंगई कॉरपोरेशन ने एक रैट्स करके बॉडी बनाया था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसको भी इंडिया को एक्टिव करना चाहिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कॉपरेशन से टेरर के अगेंस्ट फाइट करने पर यह अफगानिस्तान से रिलेटेड था और यह था रिवर तो ये दूसरा सवाल है मेजर रिवर्स ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर एक नोट तैयार करना है ंग लॉ एंटी ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग को रोकना है इसी के लिए आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स का और फोर्ज लेबर जो बंधुआ मजदूर हो जाते हैं ना बेगारी वो फोर्ज लेबर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्ड लेबर्स प्रोहिबिटेड है जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं होगा

तो ऐसी कोई कंपलसरी सर्विस अगर हमें करना पड़ जाए कि से फ्लड्स आ रहे हैं डिजास्टर्स आ रहे हैं तो सरकार बोली कि सबको रोज दो घंटे यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्री के लिए अपनी सर्विसेज देना है तो वो चीज फोर्स लेबर में नहीं आएगी वो एक्सेप्शन है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विसेज कंपल्सरी सर्विसेज हो सकती है नेशन के लिए बट उस सर्विस में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप उसमें डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो दिस इज पॉसिबल बट इन ऑल अदर केसेज जो फूज्ड लेबर है या ह्यूमन बींग का ट्रैफिकिंग है वो अलाउ नहीं होगा दिस इज दिस दिस इज एंटी ट्रैफिकिंग हाईली इफेक्टिव इन सलेक्ट कोर्ट सेंटर विल हेल्प टू मीडिएट बॉर्डर रूज ये होना भी चाहिए सी आर पी एफ फेसिस फ्लैक ओवर बॉर्डर क्लैश ये बिल्कुल गलत है दिस इज गलत फ्रैक्ट्री साइड इज दिन ये नहीं होना चाहिए धोलावीरा इन गुजरात ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सी अभी थर्टी नाइन्थ साइड देखा था अब आ गई फोर्टीएथ नंबर की साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड हो गया है 2014 से ये टेंटेटिव लिस्ट में थी फाइनली इसका इंक्लूजन हो गया ये क्या है धोलावीरा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं हड़प्पन सिटी धोलावीरा है यहाँ जो इंडिया में थी ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको अभी इंक्लूड कर लिया गया है दिस साइट में फोर्टीथ साइट है ये एंशियंट सिटी है धोलावीरा मोस्ट रिमार्केबल है और वेल well प्रिजर्वड है अर्बन सेटलमेंट ये की वर्ड इम्पॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है साउथ एशिया की थर्ड टू मिड सेकेंड मिलेनियम बीसी बीसी मतलब बिफोर कॉमन इरा 68 में इसको डिस्कवर किया था जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो तो काफी पहले डिस्कवर हो गए थे ये 68 में हुई थी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिली और यहाँ की महत्वता क्या है वाटर मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट यहाँ का हाईलाइट है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीलेयर्ड डिफेंस मैकेनिज्म भी है स्टोन यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में और बरियल स्ट्रक्चर में तो यूनेस्को ने ये बताया यहाँ पे ज्वेलरी मिली कॉपर मिला शेल टेराकोटा आइवरी ये सब चीज़ें मिली तो इससे बड़ी सिग्निफिकेंस है ये जो इस टाइप की साइट्स होती है ना ये बताती है हमारे रूट्स को कि हम पहले कैसे थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के रूट्स को बताती है कि पहले हम कैसे थे फिर कैसे इवॉल्व हुए फिर कब हमने व्हील देखा कब हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया एनिमल डोमेस्टिकेशन कब हुआ पुराने टाइम पे हमारी प्रेफरेंसेस क्या होती थी तो भीम बैट का और फिर ये इंडस वैली ये एक बताता है हमारे रूट्स को इवोल्यूशन की प्रोग्रेस को सो so, इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फोर्टी फाइव तो ये अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर ने भी यहाँ पे कहा कि हमें ऐसे इन सब प्लेसेस को विजिट करना चाहिए इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए सो so दैट हमें भी जानकारी हो हमारे रूट्स एंड हिस्ट्री का दिल्ली में हो तो आप जरूर जाइए नेशनल म्यूजियम में वहाँ पे भी ये बड़े अच्छे वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं देन दिस इज़ मीडिया नेटवर्क वॉन्ट्स ब्लिंकन टू फ्लैग थ्रेड्स टू प्रेस फ्रीडम अभी एंटोनी ब्लिंकन इंडिया आए हुए हैं दिस इज़ पेज नंबर नाइन इट टू हेल्थ हैज़ टेकन बैक सीट राइट टू हेल्थ राइट टू लाइफ इतने करोड़ वैक्सीनेशन आएंगे ऐसा होप है दिस इज सुप्रीम कोर्ट अभी जो पी एम केयर्स फंड बना है ऑर्फन्स के लिए इस पर अभी विचार कर रही है ऑर्फन्स बहुत हुए हैं इस सेकेंड वेव में और उनके फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड

एक ऐसी ही चीज़ होती है जैसे आई कीप ऑन टेलिंग गवर्नमेंट है बट आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी यू आर हाईलाइटिंग कि आई एम आई एम दिस गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ मैं इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मैं इस गवर्नमेंट दिस 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 पावर एंड कैपेसिटी में वर्क कर रहा हूँ दिस इज सब्जेक्ट टू मिस यूज सब्जेक्ट टू मिस यूज़ तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए फौज में क्लियर कट मैंशन होता है आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताओगे ऐसे सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर फेसबुक एंड ऑल दूसरी एक बैड हैबिट इंडियंस में क्या है हमारे आधे से ज़्यादा जो ऑफिस है ना वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं व्हाट्सएप मतलब जिससे पहले कैम स्कैनर आता था फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जानी है कैम स्कैनर से स्कैन किया और भेज दिया यहाँ पे अब कैम स्कैनर तो चाइनीज कंपनी है और इससे जो सेंसिटिव डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएंगे सिमिलरली व्हाट्सएप जी यूज़ कर रहे हैं दीज आर प्राइवेट कंपनीज तो द पॉइंट इज़ यू शुड बी यूजिंग दिस गवर्नमेंट अफिलिएटेड चैनल दैट इज़ एट द रेट जी ओ वी डॉट इन हर सरकारी एम्प्लॉय को ये ई मेल आई डी मिलती है एन आई सी डॉट इन का डोमेन मिलता है आपको केवल इसी डोमेन को यूज़ करना है अदरवाइज दिस दिस गोज़ अगेंस्ट योर सर्विस कंडीशन यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है प्राइवेट एंटिटीज़ जो है इसके लिए जी आई जी डब्ल्यू वर्जन है गाइडलाइन है फॉर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट वर्जन टू पॉइंट ओ सरकारी जो वेबसाइट हैं वो किस डोमेन में रखना है जैसे डॉट जी ओ वी डॉट इन डॉट एन आई सी डॉट इन और इनके जो मेल है ना आप उसी से ऑफिशियल डेटा शेयर कर सकते हैं अदरवाइज वो क्लासिफाइड सेंसिटिव डेटा एंड रिपोर्ट्स होती है और वो फिर आपके अगेंस्ट जा सकती है तो ऐसे रेलवे पर्सनल को क्लियर कट वर्ड्स में कहा है नॉट टू यूज प्राइवेट ई फॉर ऑफिशियल वर्क दिस इज़ चाइना सी क्लेम्स हैव नो बेसिस यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा चाइनीज वेसल्स चाइना एंड यूएसए एस और यहाँ पे डील यूएस कॉम्बैट मिशन इराक में लेटेस्ट सी इसराइल वॉर क्राइम्स अपेरेंट है गाजा एसॉल्ट में एच आर डब्ल्यू ने कहा ह्यूमन राइट्स ट्यूनिशिया में फिर से क्राइसिस हो रहा है टॉक्स टू एंड क्राइसिस नाटो चीफ एंड अफगानिस्तान ये मेडिटेरेनियन है अभी हमने देखा ना अफ्रीका अब अरब स्प्रिंग में यहाँ इतने ज़्यादा क्लैश हुए इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए तो क्या होता है रिफ्यूजी होते हैं रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन या फिर फियर ऑफ़ लाइफ अपने होमलैंड को छोड़ के बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए तो यहाँ जो नॉर्दर्न अफ्रीका के लोग हैं इवन सीरिया के लोग हैं ये सारे ये सब मेडिटेरेनियन इलीगल वे में क्रॉस करते हैं और एंटर करने की कोशिश करते हैं यूरोप में बिकॉज यूरोप में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर वहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यूरोप में जाने की कोशिश करते हैं और फिर ये वहाँ जाते हैं तो क्या बनते हैं रिफ्यूजी तो यूरोप में भी क्या होता है अब रिफ्यूजी हैं तो रिफ्यूजी के लिए इनको सेटलमेंट देना पड़ेगा तो इससे यहाँ के जो लोकल्स हैं वो एंगर हो जाते हैं बिकॉज यूरोप में भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड अब और बहुत सारे नए लोग आ गए फिर क्लैश होता है इनकी सिविलाइजेशन का क्लैश होता है इनकी प्रैक्टिस का क्लैश होता है इनके कस्टम्स का और फिर वहाँ पे भी टर्मोइल चालू हो जाता है तो हम इसी बात से डरे हुए हैं कि अफ़गानिस्तान में भी अगर रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ तो ये सब भाग भाग के इधर हमारे नॉर्थ स्टेट्स इधर आ जाएंगे

डॉक्टर रेड्डी ने इतने इसके स्लिप हो गए देन दिस इज कॉटन प्राइस राइज टेक्सटाइल ट्रेड सीक्स जीरो ड्यूटी कॉटन टेक्सटाइल ये इम्प्रेसिव बैटल्स हुआ स्पोर्ट्स में इंडिया गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर हॉकी अच्छा खेले कलम शरत अच्छा खेल रहा है दिस इज़ सौरभ एंड मनु ये फिर हार गए अभी इनका भी कुछ प्रॉब्लम है अभी काफ़ी न्यूज़ आ रहा है शूटिंग में इरेगुलरिटीज़ हुई है देन दिस इज जिमनेजियम बैडमिंटन और स्विमिंग ये बड़े अच्छे से फॉलो करना है सारा ओलंपिक का न्यूज़ डेवलप इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स देन दिस इज इंजीनियरिंग सीट्स भी डाउन है एक टाइम था हर कोई इंजीनियर बनना चाहता था 2015 हज़ार 14 पीक आया था अब सीट्स खाली हो रही है 400 से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो बंद हो गए देन दिस इज अबाउट गन्स इंडिया पेट्रोल डेस्कैंक प्लेट बिफोर एल ये नई नई साइट है धोलावेरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ये सारी चालीस की चालीस साइट याद होनी चाहिए असम मिजोरम डिस्प्यूट है डिस्प्य। ए, इसको लेट्स वेट क्विक ओपिनियन नहीं देना crashes, तो दे चाहिए टेलीस्कोप इन सेंटर ऑफ दिस डिबेट ये है अनलॉकिंग रिकवरी रिकवरी इज इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद इन इज नॉट राइट दिस टेल्स फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप चीफ मिनिस्टर्स ट्विटर पर लड़ रहे हैं दिस इज़ नॉट राइट देन दिस इज नेक्स्ट वन क्लिपिंग वर्ल्ड में बाइडेन एंड यूएस कॉम्बैट इजरायली मिनिस्टर इंडोनेशिया में कोविड का बहुत कहर डरा है कोविड इंडोनेशिया रील्स अंडर कोविड वेव देन युगोर में भी अट्रॉसिटीज हो रही है बाय चाइना दिस इज़ देन रिपीटेड न्यूज है ओलंपिक एंड दिस इज ओलंपिक एंड दिस इज स्पोर्ट्स रशिया के जिमनेस्ट बहुत अच्छे होते हैं सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस अब हिंदी में हम तुरंत समझते हैं वॉट इज इट मीन बाय अल्पसंख्यक अल्प मतलब जिनकी संख्या कम है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है केवल धर्म और भाषा इन दोनों के हिसाब से ही हम माइनॉरिटी डिसाइड कर सकते हैं धर्म और भाषा छह अल्पसंख्यक हमने डिसाइड किए हैं अधिसूचित है सरकार द्वारा जैन पारसी बौद्ध ईसाई सिख और मुस्लिम ये छह ही अल्पसंख्यक समुदाय कहलाते हैं अनुच्छेद 29 हमें पता है भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को संरक्षण प्रदान करता है तो माइनॉरिटीज दो बेसिस में हो सकती है लैंग्वेज बेसिस में और रिलीजन बेसिस में ट्वेंटी नाइन के अकॉर्डिंग उनको कंजर्वेशन के राइट right है अपने अपने ट्रेडिशन को लैंग्वेज को कल्चर को 30 बोलता है अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं वहां पे अपना कल्चर प्रमोट कर सकते हैं तो दिस इज 29 नाइन इन थर्टी आर्टिकल थ्री बी है लैंग्वेज के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार कोई ऐसा नहीं है बट यहाँ पे थ्री बी में जोड़ा गया है फिफ्टी अमेंडमेंट के बाद नाइनटीन में तो उसके लिए एक विशेष अधिकारी होता है लैंग्वेज वालों के लिए माइनॉरिटी लैंग्वेज के लिए एक विशेष अधिकारी होगा और सर्टेन राइट्स मिलेंगे इसके अलावा 1992 में बना था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम उन्नीस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 तो हमें क्या याद रखना है पहले तो माइनॉरिटी के दो बेसिस है बेस्ड ऑन रिलीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज ये छह माइनॉरिटी आइडेंटिफाइड है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन आर्टिकल थर्टी आर्टिकल थ्री फिफ्टी बी और दिसनटीन नाइन टू एंड टू थाउजेंड फोर का एक्ट इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं भी होती है जैसे प्रधानमंत्री का पंद्रह सूत्रीय कार्यक्रम जन विकास कार्यक्रम सीखो और कुमाओ उस्ताद बहुत फेमस है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट डेवलपमेंट एक है गरीब नवाज कौशल विकास योजना नई मंजिल है ये स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए औपचारिक कौशल विकास की एक योजना है ऐसे नई रोशनी प्रलिम्स में आया था अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना और बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति भी है तो ये गवर्नमेंट की योजनाएं हैं ये कुछ प्रोविजन हैं और ये डेफिनेशन है अल्पसंख्यक की ओके ये बड़ा आसान था वाटर जो है टोटल वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा तीन पंप है आठ घंटे दो दिन मतलब अड़तालीस यूनिट का काम करना है दूसरे केस में चार पंप है एक्स घंटे काम कर रहे हैं एक दिन इक्वेट करिए एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ जो सवाल है उसमें हमें देखना चाहिए प्रपोर्शन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है जैसे बुक्स है ज्यादा बाइंडर्स ज्यादा बुक कम बाइंडर्स कम बुक डायरेक्ट प्रपोर्शन ज्यादा बुक्स हैं ज्यादा दिन लगेंगे कम बुक्स हैं कम दिन लगेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन तो बुक्स अपॉन बाइंडर्स इन टू डे इज अ कॉन्स्टेंट दोनों केसेस को इक्वेट करिए यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू इलेवन ये ए पी बना लेते हैं अपन थर्ड टर्म अगर एक्स है फिफ्टीन टर्म एक्स प्लस ट्वेल्व डी एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस एट डी ऐसे नेक्स्ट टर्म्स हम लिख लेते हैं और जो गिवन कंडीशन है उसको इक्वेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस तो एक्स प्लस किया था एक्स एक्स प्लस नाइनडी कौन सा होगा तीन और ऐड कर देते हैं तो ये ट्वेल्थ टर्म है x प्लस नाइनडी और ये आया जीरो और यही हमें पूछा गया था कौन सा जीरो होगा तो ट्वेल्थ टर्म विल बी जीरो आज के सवाल है एलसीएम ऑफ टू नंबर फोर नाइनटी फाइव है एच सी एफ फाइव है सम ऑफ द नंबर हंड्रेड है तो डिफरेंस कितना होगा आंसर क्विक विद इन मिनट ये सवाल आने चाहिए इफ द सम ऑफ टू नंबर इज फिफ्टी फाइव एच सी एफ एल सी एम नंबर का पांच और एक सौ बीस है देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल मतलब दिस जैसे टू है तो वन बाय टू इज रेसीप्रोकल ओके देन थर्ड क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज वन वन सेवन तो एल सी एम कितना होगा को प्राइम है ये एक सौ सत्रह तो एल सी एम कितना होगा ओके okay? सो आर थ्री क्वेश्चन फॉर ये टूडेट सोल्यूशन है आज हमने जाना अल्पसंख्यक क्या होते हैं योजनाएं है और आर्टिकल्स ये बात है सरकारी है तो एक सर्टिन डेकोरमेंट गाइडलाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा दिस रूल बुक गाइड बुक देन पीएम केयर्स फंड की बात है दोलावीरा फोर्टीथ नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई आर्टिकल ट्वेंटी थ्री यूरोप की सारी रिवर्स पे एक नोट प्रिपेयर करना है ये सारी रिवर्स आज आप अपना एटलस उठा के देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है किस माउंटेन में और कहाँ जाके ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है दिस इज अफगानिस्तान ये क्राइसिस इन ट्यूनिशिया है दिस इज़ होम मिनिस्ट्री डेंजरस कॉन्फ्लेग्रेशन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देन टूरिज्म सेक्टर है और ये बात है अभी लो डाउन ऑन द डिस्प्यूट कॉन्फ्लेग्रेशन को एनकरेज नहीं करना है सोल्यूशन फाइंड करना है This is 28th of July 2021 so thank you so much for watching this video take care study well and be safe